नमस्कार, मैं डॉक्टर के पी त्रिपाठी, नोडल अधिकारी फाइलेरिया प्रोग्राम लखनऊ। आज जो ये कार्यशाला, मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई थी फाइलेरिया प्रोग्राम को लेकर के, इसमें आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हम लोग का 22 तारीख से लखनऊ जनपद में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइलेरिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग घर घर तक हमारी टीमें जा करके 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को, गर्भवती माताओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़ करके TEC और एल्बेंडाजॉल की दवाएँ खिलाएँ। जैसा कि आप अवगत है कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति के हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, अंडकोष में सूजन आ जाती है या उसके स्तनों में भी सूजन आ जाती है। बीमारी इसलिए खतरनाक है कि एक बार आप फाइलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं तो उसके बाद आपका कोई इलाज नहीं है इसका, और इसके बाद आप अगर फाइलेरिया के सिम्टम इस लेवल तक भी आ सकते हैं कि व्यक्ति अपना चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है, तो उसकी दैनिक दिनचर्या में उसको बहुत समस्याएँ आती हैं। और जो व्यक्ति, कोई फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति ऐसा जिसके परिवार में कमाने वाला, आजीविका देने वाला मान लीजिए एकमात्र व्यक्ति है, तो उस परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है इस बीमारी का। बीमारी से बचाव बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने बताया कि एल्बेंडाजॉल की टैबलेट, जो कि डिवर्मिन की दवा है, कीड़े मारने वाली दवा, और DEC की दवा, साल में एक बार हमारी टीमें घर घर जाती हैं आपके। आप लोगों से सबसे अनुरोध ये है कि हमारी जब टीमें आपके पास जाएँ तो ये DEC की दवा और एल्बेंडाजॉल की दवा ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये दवाएँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, ट्राइड है, टेस्टेड है, सेफ है। इन दवाओं को खाने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं है, बिना हिचक के, बिना संकोच के खाएं। ये दवाएं सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ की दवाएं हैं, इन दवाओं को खाने से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं है। आप इन दवाओं को साल भर में एक बार खाते हैं, आप अपने को फाइलेरिया से सुरक्षित रखते हैं। दवा खाने का बस एक ही मात्र आपका ये है कि दवा खाली पेट ना खाएं, जैसे हमारी टीमें 11 बजे के पश्चात ही आपके घर पहुँचेगी। हमारा आप लोगों से निवेदन ये है कि हमारी टीमें जब आपके घर पर पहुँचती हैं तो फाइलेरिया की दवा को खाएं, अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को फाइलेरिया से मुक्त करें। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं जो शुरुआती दौर में जिसको हम समझ सकें और समय से हम डॉक्टर के पास पहुँचें? शुरुआती दौर में फाइलेरिया के लक्षण ये है कि जो अगर आपका पैरों में सूजन की शिकायत होती है, जो कि ज़्यादातर पैरों में सूजन की शिकायत होती है, कुछ लोगों में अंडकोष में भी सूजन पाई जाती है, और पैरों में जो सूजन होती है वो यूनिलैटरल होती है, मतलब एक पैर होती है, दोनों पैरों में सूजन नहीं आती है। धीरे धीरे ये सूजन बढ़ती चली जाती है, अगर व्यक्ति देखभाल नहीं करता है तो उस पैरों की सूजन में इन्फेक्शन भी आ जाता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि पैरों को काटने की दवा आती है। शुरुआती दौर में कोई सूजन आती है तो उसकी जाँच आप तुरंत फाइलेरिया के लिए भी कराएँ, अपने डॉक्टर को दिखाएँ, वो संबंधित डॉक्टर इसके विषय में निर्धारण करें। लेकिन कोई ऐसी सूजन जो कि एक पैर में आपके बहुत दिनों तक विद्यमान है, तो ऐसी सूजन को आप लाइटली मत लीजिए और इस सूजन को आप अपने निकटवर्ती डॉक्टर से दिखाइए और अपना इलाज करें।